वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फ़ियाज़ भाई हाजिर हैं। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ एक दो काम करने वो कर लूँ। ये मेहमान आए हुए थे तो ये चेयर वगैरह टेबल वगैरह रखे हुए थे बाहर, उन्हें नाश्ता वगैरह दिया है। अभी थोड़ी देर पहले वो गए हैं तो अब ये चेयर अम्मी के साथ में रखवा लूँ रूम में। अम्मी जी तुम ना उठाओ, थोड़ा डे की जोर दर्द कर दें। मैं उठा चलने चेयर टेबल वगैरह रख लीजिए और आप बातें अपने व्लॉग की तरफ। व्लॉग अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इधर ना मैंने घास लगाया था, इधर वहाँ तक वो दीवार तक सामने तक, इधर से लेके वहाँ तक मैंने ना घास वगैरह लगाया था। तो भाई अब्बास ने क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरा इधर मतलब घास वगैरह वो बंदा बैठ जाता है ना, जिस तरह अब सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई हैं तो धूप में बंदा इधर आके बैठ जाता है। मैं स्टडी करता था तो मेरा ख्वाहिश थी कि मैं इधर बैठ के स्टडी किया करूँ। तो भाई अब्बास ने क्या किया, वो स्प्रे होती है ना घास सुखाने वाली, तो भाई अब्बास ने क्या किया, वो स्प्रे टैंकी में डाल के लाई और इधर कर दी सारी, घास सूख गया। कहते कि इधर सांप वगैरह आएंगे तो हमने नहीं रखना ये घास वगैरह। तो अब फिर मैंने उन्हें भी ये सारा कुछ जो है ना, ये वाले जिसे हम लोग तो पंजाबी में कहते हैं वेड़ा, मतलब ये सहन की जो दीवारें हैं ना ये कच्ची हैं, तो अब इंशाल्लाह ये कच्ची इसी वजह से बनाई हुई थी कि ये वाला टिब्बा जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये आबाद होगा, ये बिल्कुल बराबर होगा और इधर हम लोगों ने गंदम की बिजाई करेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। और ये जो चार दीवारें हैं ना ये इसी वजह से ख़राब हुई हुई हैं क्योंकि मैंने अम्मी और अब्बू लोगों से कहा है कि ये नहीं ठीक करनी, ये हम लोगों ने जो टिब्बा नज़र आ रहा है जो रेत के टीले हैं ये बराबर करने हैं, मतलब कि इधर इधर भी काश्त करेंगे गंदम, क्योंकि गंदम काश्त हम कर सकते हैं। एक तो ट्यूबवेल हमारा इधर इस रेत के टीले पे ही है तो उसका पानी भी आएगा, एक और करवा लेंगे। तो ये है मेरी प्लानिंग इंशाल्लाह, फिर हरा भरे खेत ही खेत होंगे और घर दरमियान में होगा, क्या लोकेशन होगी ये आप लोग सोच के ही बंदे को बड़ा मज़ा आता है। और इधर इंशाल्लाह एक बेल लगानी है जो वो जिस तरह चार मतलब चार दीवारी नहीं होती उसी टाइप होती है जो मतलब पार्क वगैरह में होती है, मतलब उस तरह के ना पौधे वगैरह लगा के ना इधर इधर पौधे वगैरह लगा के ना नज़दीक नज़दीक पौधे वगैरह लगा के और साथ में फिर फूल रखेंगे और इधर घास वगैरह लगाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छा जो लोकेशन होगी बहुत अच्छी लगेगी और क्या मंज़र होगा ये तो फिर इंशाल्लाह तभी देखेंगे। मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे तो सारा कुछ करना है। और तो चलें अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। भाई अब्बास और भाई जवेद चारा काट रहे हैं जानवरों के लिए, तो उधर जाते हैं उनसे गपशप करते हैं। तो भाई अब्बास और भाई जवेद की कॉल आई थी, दोनों ने कहा था कि हमारे लिए ना कुछ खाने के लिए लेके आओ, तो देखते हैं कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ तो लेके जाते हैं और उन्हें थोड़ा तंग भी करते हैं। भाभी वाह किन्नू कुछ पे ने यही लेके जाने ते खाने हैं। ये ले जी टोकरी आ गई और अब इसमें डालते हैं किन्नू। ये रहती मेरे ख्याल भाई लेके आए थे, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैं थोड़ा बिजी था तब क्योंकि वीडियो अपलोड करने में लगा हुआ था। तो ये लेके जाते हैं भाइयों के लिए और गपशप करते हैं भाइयों से, देखते हैं क्या करें उधर। चलें जी नमक भी लेके जाते हैं साथ, नमक के साथ किन्नू हो तो फिर तो मज़ा ही मज़ा। हम जी छुरी किधर, छुरी दिया जी मैंने खाने है मुझे किन्नू, किन्नू खाने रख दिया जी इतने। चलें अब हम चलते हैं खेतों में और वहाँ गपशप करते हैं और दिखाते हैं भाई अब्बास और भाई जवेद। यार ड्राइवरी सही करया कर, जल्दी आ जाओ। अच्छा जी तो हम लोग जा रहे हैं अब खेतों में, उधर भाइयों ने चारा काटा हुआ है भैंसों के लिए वो लेने, और मैंने ये देखें किन्नू उठाए हुए हैं और इधर उस्मान साहब ने देखें ट्राइपॉड स्टैंड उठाया हुआ है। उस्मान आ जाओ, उस्मान किन्नू खाने हा? किन्नू खाने मेरे बेटे ने खाने नहीं। अच्छा आ जाओ फिर,
तो चलें आप चलते हैं खेतों में, भाइयों को आज थोड़ा तंग शंग करते हैं, गपशप करते हैं भाइयों के साथ। हमारे यहाँ ना मतलब देहातों में काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे की चाहत करते हैं। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि भाई काम करने के लिए गए होते हैं तो उन्होंने जहाँ तो बोलना होता है मुझे कॉल करके कि हमारे लिए चाय बना के लेके आओ, तो यहाँ फिर उन्होंने कहना होता है हमारे लिए पानी लेके आओ, जहाँ कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो आज किन्नू पड़े हुए थे घर, ये ना ये भी किन्नू का पौधा है, लेकिन इस बार हमारे जो किन्नू का पौधा है इसे किन्नू नहीं लगे, क्योंकि जिनके भी किन्नू के पौधे थे बहुत कम किन्नू लगे हुए हैं, इस बार ज़्यादा किन्नू नहीं लगे, इसे तो बिल्कुल एक किन्नू भी नहीं लगा। तो इंशाल्लाह अभी इसे खाद वगैरह डाली, सारा कुछ किया है, लेकिन अल्लाह करे लग जाए। तो ये है सरसों, वो पट्टे होते हैं यहाँ घास कह लें, वो काटी है भाई उन्हें। और नीचे ये देखें, ये जवा है, इसे जवा बोलते हैं। आ जाओ उस्मान, आ जाओ। आ जाओ इधर बैठ जाओ इधर। मिस्टर मुगरी, ओए मिस्टर मुगरी, ओए हेलो, टेक जा हजे नमक कर लो। हजे 4 साल 3 हजे बात तो लगी, काम के नहीं करना ही ना तू तगड़ा होना नहीं चाहिए विवाह कर दिता, फिर तू कहना समान मैं अज मारो। इधर नु जाना, अज मेरी दावत उधर नु जाना, तू हजे टेक जा हजे 4 साल। अच्छा तुसी आ गई हैं, करिए फिर काम करिए। कमाई बिस्मिल्ला, इत बैठ बैठ बैठ, उस्मान आ लो बैठो। ना असी मोइज नु कोई नहीं देना, असी मोइज नु कोई नहीं देना। लेना मेरे बेटे ने खाना नहीं, मिस्टर मुगरी नु कोई नहीं देना असी। चल ना गंदा ले, मैं छिलके दे उस्मान दे, छिल लो दे। अच्छा वो फिर चल तेरे ना पुत्र था, मैं दिना बेटा तेरे छिलके वही तो खाना। आवाज है हाथ मठा रखी ਯਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਸਦਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੱਟ ਫਿਰ ਛਾਇਆ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਆ ਲੋ ਨਿਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਿੱਕਾ ਮਾਮਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ। ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਬੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਾ। ਅੱਜ ਪੜਨਾ ਇਕੱਲਾ ਚੁੱਕ, ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ ਪੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਨਾ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਮਕ ਤਾਂ ਕਿਨੂੰ ਹੋਵੇ ਫਰੈਸ਼, ਨਾ ਆਏ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੱਕਰ ਪਿਆਰ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੱਕਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। बैठा गया तू ਕਿਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਗੋਧਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਗਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ। ਕਿਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਰਗੋਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਗੋਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਪੌਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਈਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਣੇਗਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਰ ਮੰਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਯਾਰ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੂਨ ਲਾਇਆ ਦੇ, ਨਮਕ ਲਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਨੂਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਦਰੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੂਰ ਮੁਰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ।
ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਔਰ ਵਹਿਮ ਮੇਂ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਚਲ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪ ਹਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਆ ਸਰ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪ ਹਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਯਾਰ ਕਹਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਟਿੱਬਿਓ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 6-7 ਪੰਨਾ ਸਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਤੋੜੀ ਸਮੈਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਚਾਰਜਰ ਮਾ 2020 ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2020 ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਦੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ 2020 ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2020 ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਅਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ 2020 ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਓ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਹ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦੋ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੁੰਮਰ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੁੰਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਵੀ ਲਈ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਦੂਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਬਾਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸਾਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਕੱਢ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨਾ ਗਿਓ ਤੂੰ ਸਾਦਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦਵੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦਵੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 10-15 ਲੱਖ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 10-15 ਲੱਖ ਮੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦਗੀ ਨੇ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 4-5 ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 4-5 ਕੱਟੇ ਜਵਾ ਕਰਿਓ ਝੋਟੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਿਓ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਦਾ ਮੋਟਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਮਾਨ ਬੇਟਾ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਮਕ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਣਾ ਉੱਠੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਆਪਣਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਬਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਖਾ ਲਈਏ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਅਬ ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਚਾਰਾ ਕਟ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਉਧਰ ਰੇੜੀ ਪੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਕੋ ਹਮਨੇ ਤੰਗ ਕੀਆ ਥਾ ਵੋ ਹਮੇਂ ਤੰਗ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੀਜੀਏਗਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ
तो ये भाइयों में हमें ये भाई हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं एक दूसरे को, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये हंसी मजाक चलता रहता है, भाइयों में होना भी चाहिए। इस तरह सलूक प्यार मोहब्बत हो तो ही रिश्ते कायम रहते हैं। तो हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं, तो प्लीज़ इस बात को आप लोग नेगेटिव तौर पे मत सोचिएगा। तो और ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज के व्लॉग का यही पे करते हैं एंड। कल मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एंड पे आखिर में भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।